फ्रेंड्स, टेक्नो साइलेंटस्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे हाउ टू डाउनलोड प्रोजेक्ट। दोस्तों, जो भी कंप्यूटर साइंस फील्ड के स्टूडेंट है, उसको जो मान लो BCA, MCA, MSCIT, BSCIT, PGDCA, IT इंजीनियरिंग, उन सभी लोगों को जो स्टूडेंट है उसको फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट सबमिशन होता है। अगर आप मास्टर डिग्री में हो तो आपको हर सेम में एक कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट है उसको सबमिट करना पड़ता है। जैसे कि जो ये लैंग्वेज आप देख रहे हैं, जावा, ASP, PHP, पाइथन, एंड्रॉयड, और जो जावा से वैसे नॉट JS, एंगुलर, ऐसे बहुत सी लैंग्वेज आती है, उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज में आपको प्रोजेक्ट सबमिशन करना पड़ता है। तो दोस्तों, उस प्रोजेक्ट के डेमो के लिए आप कहाँ से कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट को डाउनलोड करें, तो हम वीडियो में मैं 5 ऐसी साइट्स बताऊँगा और उनमें से एक साइट में से कोई भी एक कैसे प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना है और डिटेल में आपको समझाऊँगा। तो दोस्तों, कौन सी 5 साइट है? जो नंबर फाइव पे हमने दोस्तों रखी है www.1000project.com। दोस्तों, ये जो साइट है उसका इंटरफेस कुछ ऐसा नज़र आएगा। यहाँ से आप कोई भी प्रोजेक्ट है वो आसानी से डाउनलोड कर पाएगा। आपको दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद आपको कोई आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ से आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, तो आप यहाँ से आसानी से प्रोजेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 4 की साइट की बात करें तो www.ingrom.com। दोस्तों, यहाँ से भी आप प्रोजेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत से प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जो भी प्रोजेक्ट सर्च करेंगे वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ्री डाउनलोड प्रोजेक्ट लिखा है वहाँ पे ASP.NET, VB.NET, PHP प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट, सी एंड C++ प्रोजेक्ट प्लस एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट, वैसे बहुत से जो कैटेगरी के प्रोजेक्ट है वो आपको यहाँ से फ्री में मिल जाएंगे। दोस्तों, सिर्फ आपको प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने के लिए सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको लॉगिन होना पड़ेगा इस साइट पे, तभी आप प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ से आप दोस्तों लेटेस्ट प्रोजेक्ट है लेटेस्ट वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 3 पर बात करें तो www.codeproject.com। दोस्तों, ये साइट नंबर 3 पर रखिए। दोस्तों, आप codeproject.com पे आप अपना जो कोड है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा और प्लस में आपको यहाँ से कोई प्रोजेक्ट भी आपको मिल जाएगा। आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो आपको चाहिए वो आप सर्च करके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर टू पे दोस्तों हमने रखा है www.freeproject.co.in। दोस्तों, इस साइट से भी आप प्रोजेक्ट को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ ऐसा नज़र आएगा। यहाँ से आपको फ्री प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो प्रोजेक्ट प्लानिंग सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो भी नॉलेज चाहिए, प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, प्लस सॉफ्टवेयर, प्लस आप यहाँ से कोई भी प्रोजेक्ट फ्री में डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये साइट भी बेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें नंबर वन पे दोस्तों रखा है www.kashipara.com। दोस्तों, इसका इंटरफेस है कुछ ऐसा नज़र आएगा। यहाँ से आपको दोस्तों प्रोजेक्ट जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है वो, उसके बाद टेम्पलेट, जो प्रोग्रामिंग कोडिंग आपको चाहिए, डेमो चाहिए, प्रोजेक्ट के आइडियाज, इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर, उसके बाद जो ट्यूटोरियल है जो हमारे प्रोग्रामिंग फील्ड के रिलेटेड, उसके बाद टॉप डेवलपर्स है उसके कॉन्टेक्ट, वो सब यहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों, ए साइट में बहुत सी डिटेल है वो आपको फ्री में मिल सकती है। तो दोस्तों, ए साइट भी बेस्ट है। हम दोस्तों ये जो kashipara.com है वहाँ से एक प्रोजेक्ट को डाउनलोड करके हम चेक करेंगे और कैसे डाउनलोड करना है वो मैं सिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक दोस्तों आप देखिएगा। दोस्तों, हम अगर kashipara.com में प्रोजेक्ट डाउनलोड करना चाहे तो सबसे पहले हमें अपने कोई भी लैपटॉप या पीसी में कोई भी ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च कर देना है। मैं दोस्तों यहाँ पे देखे क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है, यहाँ पे kashipara.com है उसको सर्च कर देना है। अब जैसे सर्च करेंगे तो ऐसा इंटरफेस है वो आपके सामने शो होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे लॉगिन होना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे लॉगिन साइन अप पहले से नहीं है तो आपको यहाँ पे साइन अप कर देना है और सबसे पहले लॉगिन हो जाना है, तभी दोस्तों आप कोई भी प्रोजेक्ट है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। अदरवाइज आप कोई भी प्रोजेक्ट है उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। मैंने यहाँ से पहले से ही मैं साइन अप हुआ हूँ, इसलिए मैं सिर्फ लॉगिन कर देता हूँ। ऐसे जैसे ही मैं लॉगिन हो जाता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जो मेरा यूज़र नेम KJS123 वो आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों जो मेरा पूरा डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा। अगर आपने यहाँ पे कोई भी अपने खुद के प्रोजेक्ट अपलोड किए हुए तो आप यहाँ से देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए जो माई प्रोजेक्ट है उस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो डैशबोर्ड है पूरा वो सामने आ जाएगा। मैंने यहाँ पे दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट अपलोड किए हैं वो आ चुके हैं। जो मैंने ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम और जो फर्नीचर शॉप मैनेजमेंट सिस्टम वो सब प्रोजेक्ट हैं यहाँ से अपलोड किए हैं, और यहाँ पे उसके जितने व्यू है, कितने लोगों ने आपका प्रोजेक्ट है उसको व्यू किया है वो भी यहाँ पे आपको दिख। लेकिन दोस्तों, ये सब बात छोड़ दीजिए, अगर आपने
प्रोजेक्ट आप यहाँ पे अपलोड करके अर्निंग करना चाहते हैं तब भी आप यहाँ से कर पाएंगे। और दोस्तों हम कोई नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। आज हम कोई एक प्रोजेक्ट को डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का फर्स्ट मेनू आपको दिखाई देगा उस पर आ जाना है। उस पर आएगा तो आपको बहुत सी लैंग्वेज यहाँ पे नज़र आएगी, जो जावा, PHP, C#, VB, एंड्रॉयड, C++, और जो टॉप डाउनलोड प्रोजेक्ट। दोस्तों यहाँ से आप जिस भी लैंग्वेज का प्रोजेक्ट डाउनलोड करना चाहे उस लैंग्वेज पर क्लिक कर देना। दोस्तों मान लो हम जो C# में प्रोजेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, C# की प्रोजेक्ट की हमें रिक्वायरमेंट है, तो हमें C# प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत से प्रोजेक्ट आपके सामने शो होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेरोल सिस्टम, उसके बाद एल्यूमिनी सिस्टम, जो चैटबॉक्स सिस्टम, उसके बाद कॉफ़ी शॉप मैनेजमेंट सिस्टम, जो रियल इस्टेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। वैसे यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने पर बहुत से प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे, अटेंडेंस कैलकुलेटर, उसके बाद जो पैकमैन, जो स्टोर ट्रैकिंग, उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग, ATM सिस्टम, पर्सनल ट्रैकिंग सिस्टम, वैसे बहुत से प्रोजेक्ट है दोस्तों यहाँ से आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट फी मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद स्टूडेंट अटेंडमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, मूवी लिस्ट प्रोजेक्ट इन C#। दोस्तों यहाँ पे भी मूवी लिस्ट का भी यह प्रोजेक्ट अच्छा है। तो यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट के व्यू हुए हैं वो आपको दिखाई दे रहे हो, और यहाँ पे जो देख रहे हैं वो डाउनलोड से। ये जो यहाँ पे देखे कोई भी प्रोजेक्ट को आप ले लिए, सपोज मान लो हमने यहाँ पे पेरोल सिस्टम देखा तो यहाँ पे 202 है ये व्यू हुए हैं इस प्रोजेक्ट के, और यहाँ पे जो 23 है वो डाउनलोड किए गए। तो आपको आपकी मर्जी अनुसार, अगर आप में अपने जो भी प्रोजेक्ट की आपको रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पे सर्च मेनू पे क्लिक करके उस प्रोजेक्ट को रख सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च करेंगे आपको जो भी प्रोजेक्ट चाहिए तो वो आ जाएगा। दोस्तों हम अगर मान लो सर्च करें यहाँ पे कि फर्नीचर मैनेजमेंट सिस्टम, हमें फर्नीचर मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट की आवश्यकता है, तो यहाँ पे हम जैसे ही सर्च करेंगे तो जितने भी फर्नीचर के प्रोजेक्ट है वो आपके सामने शो हो जाएंगे। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे देखें जो फर्नीचर के सारे प्रोजेक्ट है वो आपके सामने आ चुके हैं। इनमें से आप कोई भी प्रोजेक्ट डाउनलोड करना चाहे उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखें जो फ्री डाउनलोड फर्नीचर शॉप मैनेजमेंट सिस्टम, दोस्तों यह इस साइट पे आपको फ्री में भी प्रोजेक्ट मिलेंगे और कुछ प्रोजेक्ट होंगे वो पेड भी होंगे, और डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने प्रोजेक्ट फ्री में रखा है या अर्निंग में पेड में रखा है। अब दोस्तों फ्री प्रोजेक्ट भी आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हमें फर्नीचर शॉप का प्रोजेक्ट चाहिए तो हमें उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे उस प्रोजेक्ट का क्लिक करेंगे तो उस प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड है वो आपके सामने शो होगा। यहाँ पे देखें जो फर्नीचर शॉप मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोजेक्ट का नेम, उसके बाद प्रोजेक्ट के ID, डेवलपर नेम, जो कब अपलोड हुआ है वो, प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ किया है, लैंग्वेज कौन सी यूज है, ID टूल कौन सा है, उसके बाद यहाँ पे देखें तो डेवलपर का नाम, अर्निंग। दोस्तों यहाँ पे फ्री प्रोजेक्ट, यहाँ पे अर्निंग है वो जीरो है, इसलिए यहाँ ये प्रोजेक्ट है वो फ्री में आपको मिल जाएगा। उसके बाद डेटाबेस कौन सा यूज़ किया है, प्रोजेक्ट का टाइप कौन सा है, जो डाउनलोड कितने हुए हैं, व्यूज़ कितने हुए हैं, ट्रेंडिंग में कितनी बार रहा, ये पूरा दोस्तों प्रोजेक्ट का है डैशबोर्ड होगा। और डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे देखें जो प्रोजेक्ट सोर्स कोड है वहाँ से आप प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट की रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन PPT और डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे नीचे की साइट है उसमें मिल जाएगी। लेकिन हमें दोस्तों अगर पहले प्रोजेक्ट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड हर वाला बटन आपको मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों हम उस पर जैसे क्लिक करते हैं तो आप लेफ्ट साइड यहाँ पे देख सकते हैं कि kashipara.com यहाँ पे प्रोजेक्ट डाउनलोड हो चुका है। 17 MB का प्रोजेक्ट है दोस्तों, डाउनलोड हो रहा है, तो यहाँ से आप आसानी से कोई भी प्रोजेक्ट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए ये प्रोजेक्ट डाउनलोड हो चुका है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको IDE टूल को देख लेना है दोस्तों, ये कौन से IDE टूल में बना हुआ है, तभी आप उसको रन कर पाएगा। और डेटाबेस टूल भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे एक्सेस का डेटाबेस है तो मुझे MS एक्सेस है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और डायरेक्टरी है प्रोजेक्ट की उसको सेट करना पड़ेगा, और जो स्टार्टिंग पेज है रन वाला उसको भी मुझे सेट करना पड़ेगा, तभी मैं कोई भी प्रोजेक्ट है उसको रन कर पाऊंगा। दोस्तों आप उसी प्रोजेक्ट को डाउनलोड कीजिए जिस लैंग्वेज का आपको नॉलेज हो, ID और डेटाबेस का जिस भी लैंग्वेज में आपको नॉलेज है उसी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट आपको डाउनलोड करना चाहिए, ताकि आप आसानी से रन कर पाए। वरना आप कोई भी प्रोजेक्ट डाउनलोड तो कर पाएंगे लेकिन उसको रन नहीं कर पाओगे। दोस्तों डाउनलोड प्रोजेक्ट को कैसे रन करना है वो मेरा जो प्रीवियस एक वीडियो है आप उस मेरी साइट पर जाके देख सकते हैं, जो टेक्नो साइलेंटस्टडी चैनल है यूट्यूब पर उस पर जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारे चैनल
टेक्नो साइलेंटस्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारी चैनल टेक्नो साइलेंटस्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।